के अपना पिनालू गोड़ रही हैं, पिनालू और पापड़ गोल गोड़ रही हैं, अरवी हो रही है। आप जिन भाइयों को पता है नहीं है कि अरवी कैसी होती है, वो देख लें कि अरवी ऐसी होती है। ये तो आइए मैं आपको आपको चौथी खेत में ले चलता हूँ, अपना चौथा खेत ले चलता हूँ। यहाँ पहले पानी की व्यवस्था थी, पानी ऐसे समय इसमें पानी अभी आना बंद कर दिया है, पानी की दूसरी पाइपलाइन चल रही है। अब मैं आपको चौथे खेत में ले चलता हूँ, देखिएगा कि आप हमें कई जगह बाधा भी कर रखी है। ये देखिए एक पेड़ हम यहाँ लगा है, इसको लगभग दो साल हुए हैं पेड़ को, और ये पेड़ अगले 3-3 साल फल देगा। और यहाँ देखिए, यहाँ एक सीताफल जो होता है, सीताफल इसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। सीताफल जो है ये पक गया है, अब ये लाल हो जाएगा, थोड़े बाद तोड़ के रख देंगे सामान खाने के लिए। और वहाँ भी एक सीताफल लगा हुआ है, ये भी अनार का पेड़ है। तीसरे पाँचवें खेत में ले जाना आपको, चौथे खेत में पाँच ले जा रहा हूँ, इसमें ले जा रहा हूँ। ये भी अनार का पेड़ है, ये उसका हाइब्रिड का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये अमरूद लगाए गए हैं। और यहाँ और ये हमने केला लगा रखा, जो हिमाचल का केला आता है, ओके हाँ हाँ केला आता है, केले के पेड़ हमने इसमें लगा रखा है। इसलिए मैं सभी भाइयों को बोलता हूँ कि एक बार आए, दोबारा आए। और मैंने अपने घर के पीछे, हमारे घर के पीछे भी 2-3 अपने खेत हैं, उसमें भी हमने पेड़ लगाए हैं। अभी सुबह मैंने उसमें घेराबाड़ी करी है, और कुछ वो कुमरिया का घाव भी निकाला, वो पेड़ छड़ गए हैं, क्योंकि कुछ पेड़ उसमें मर गए हैं, क्योंकि वो घास ने वो पेड़ को ख़त्म कर दिया है। इसलिए जितने भी उत्तराखंड मेरे बागवान हैं वो आएँ, और ये हरक सिंह जी नेगी जी द्वारा जो चल रही मुहिम बागवानी की, उसमें अपना सहयोग करें, क्योंकि आपको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ करना है। और आप आएँ और अपने आने वाले समय और अपने आने वाले गुजरते मकानों को, खंडहर मकानों को दोबारा उजागर करें, दोबारा रिनोवेशन करें। ये भूमि मातृभूमि है, पैतृभूमि है, देवभूमि है, और सभी लोगों को एक बार मैं फिर आह्वान करता हूँ, आइए देवभूमि उत्तराखंड, आइए और अपने इन उजड़ते हुए घरों को संवारिए, और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप बड़े बड़े काम यहाँ कर सकते हैं। धन्यवाद।